हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं एक वर्किंग मॉडल ऑफ विंड मिल। तो बेसिकली ये जो फ्रेंड्स है ये असली में वर्क तो करेगा पर बिजली प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें जो लीगो टाइप का सामान चाहिए, आप ये तो देख सकते हैं क्या क्या सामान की रिक्वायरमेंट होगी, तो यही सामान हमको चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम इस वर्किंग विंड मिल का बॉडी बनाएंगे। तो बॉडी बनाने के लिए हमको बेसिक मैकेनिक चाहिए होगा। तो पहले मैं इसका जो मैकेनिकरी पार्ट है उसको मैं अलग कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मैकेनिकरी पार्ट मैंने अलग कर दिया है, ये सब है हमारा बॉडी पार्ट, उसके बॉडी पार्ट, ठीक है। तो मैंने इसको अलग कर दिया और ये है वर्ब। और इसके बाद मैंने सबसे पहले ग्रीन ब्लॉक्स को एक दूसरे से अटैच कर दिया। तीन तीन के सेट्स बनाने हैं, हम दो तीन तीन के सेट्स बनाएंगे। उसके बाद हम ऐसे बनाएंगे और ये आपको चिपकाने नहीं है, ये साथ में रखने हैं। और आखिरी में इसको हम चार ब्लॉक से बनाएंगे और आखिरी में इसको हम ज्वाइन कर देंगे दो ब्लॉक्स के साथ, जैसे पहले बनाया। अब हम सबसे पहले हम डार्क वाला लेंगे, ये डार्क ब्लू। उसके बाद हम लेंगे लाइट ब्लू, इनको मैं बहुत ध्यान से सेट करना होगा क्योंकि अगर ये ग्रीन वाले पिलर छिट गए तो हमें फिर से लगाने पड़ेंगे। और इसमें मतलब लाइट ब्लू के बाद अब हम डालेंगे, अब जो रेड हमने डाल दिया है तो उसके बाद हम इसके ऊपर ग्रीन और रेड करके ऐसे मिक्स करेंगे, ग्रीन रेड और ग्रीन रेड और फिर से ग्रीन और रेड। ये बनाने के बाद हम इसको ऐसे लगाएंगे और इसमें ये रहेगा, क्या कहते हैं कि हम एक दो उसके बाद एक छोड़ देंगे और फिर उसके बाद तीसरे पैसे लगाएंगे। हमको एक ब्लॉक पे नहीं लगाना है क्योंकि वो हमारे मैकेनिज्म में आगे इंक्लूड होने वाला है। उसके बाद हम ये एक रेड का पीस लेंगे और इसको ऐसे कुछ इस तरह लगा देंगे जो कि हम आगे हमारे मैकेनिकल सिस्टम में हेल्प करेगा हमको। और ये हमारा बॉडी तैयार हो चुकी है पूरी तरीके से। मैं आपको एक बार इसका एक राउंड करूँगा, ये थोड़ा गलत तरीके से फिट हो गया, हाँ इसको ऐसे। और ये मेरे बॉडी पूरी तैयार है, इधर मल्टीपल कलर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब इसको मैंने बताया कि अब हम करने वाले मैकेनिकल पार्ट, मैं इसको दो मिनट के साइड रखना चाहूँगा। अब मैकेनिकल पार्ट करें, हाँ तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्लू पार्ट लेंगे, उसके हम हिस्से होते हैं हम ये वी फैन के हिस्से लगा देंगे। और फैन के हिस्से लगाने के बाद हम इसके इधर इस पॉइंट पे हम इसके इस पॉइंट पे हम लगाएंगे ये एक छोटा सा ब्लैक सा पार्ट। और उसके बाद हम इसमें सिंपली इस चीज़ को इंसर्ट कर देंगे। पर इंसर्ट करने से पहले 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 हम इसमें एक व्हील इंसर्ट करेंगे और इधर मैकेनिक पे हम इसमें इसको ऐसे इंसर्ट कर देंगे व्हील को इंसर्ट करके। उसके बाद हम इसके बैक साइड पे ये एक और ब्लैक चीज इसमें इंसर्ट करेंगे। डालेंगे होल्डर क्योंकि वो मैकेनिज्म जो बॉडी है उसे ढक लेगी तो हमारे लिए चलाने में मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने तो एक होल्डर भी बनाया है। अब हमें बॉडी और होल्डर को कुछ इस तरह जोड़ देना है और आर थिंग इज रेडी। मैं इसको हल्के से घुमाऊंगा, एक सेकेंड इसको फिट, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको फिट कर दिया है क्योंकि अगर हम इसमें छोटा वाला पार्ट फिट करेंगे तो अच्छे से बैठेगा नहीं, तो हम इसमें बड़ा वाला साइड फिक्स करनी पड़ेगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको भी चलाऊँगा
और हमें आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें व्हील क्यों ऐड करी है, एक सेकेंड ये निकल गया है दरअसल। हाँ और मैं अब आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। कहते हैं कि ये जो व्हील है इधर, ये व्हील दरअसल क्यों लगाई गई है, ये व्हील दरअसल इसलिए लगाई गई है क्योंकि जो व्हील है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर ये जो रबर, जैसे आप देख सकते हैं रबर का बना है, मैं इधर जूम इन करना चाहूँगा, जो रबर है ये रबर, जिसकी व्हील रबर का बना हुआ है, इसकी वजह से ये इस इन ब्लॉक्स का अटक गया है और अटकने की वजह से ये इसकी मूवमेंट नहीं हो पा रही है। और जब ये मूव करता है तब ये स्टिफ रहता है और ये जो इसके बीच में जो वो इसके लिए जो लकड़ी गई हुई है वो मूव करता है और ये मूव नहीं करता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली काम करता है और एक जगह पे स्थिर रहता है। और ये है इसका कॉन्सेप्ट कि क्यों ये इसके बीजर लगाया गया है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब चैनल।